जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्यम कथा 26वां अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आप सभी ने जाना था कि वाल्मीकि मुनि पुरुषोत्तम मास के व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए इसका संपूर्ण वृतांत बता रहे हैं। अब आगे का वृतांत आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। अब उद्यापन के पीछे व्रत के नियम का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत नियम का विधिपूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में सुवर्ण दान करना, अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान दे, और जो आंवला जल में स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान दे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करे, तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घृत दान करे, और घृत का नियम किया है तो दूध का दान करे। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूं और शाली चावल का दान करे। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया है तो रुई भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाले तकिया आदि रखकर सैया का दान करे। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन करावे, घृत चीनी का दान करे, मौन व्रत में सुवर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करे, सपत्नीक ब्राह्मण को घृत युक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे, जूते का त्याग किया है तो जूते का दान करे, लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करे, दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा बैकुंठ में निवास करता है, तांबे के पात्र में घृत और सुवर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करे, व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र का ही दान देवे, एकांत में वास करने वाला 8 घटों का दान करे, वे घट सुवर्ण के हो या मिट्टी के उनको वस्त्र और सुवर्ण के टुकड़ों के सहित देवे, और मास के अंत में छाता जूता के साथ 30 मोदक का दान करे, और भार ढोने में समर्थ बैल का दान करे। इन वस्तुओं के ना मिलने पर अथवा यथोक्त करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है अर्थात ब्राह्मण से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में 1 अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में 1 अन्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। 1 अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है, वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं, अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं, इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ पहर कहा गया है। हे नराधिप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ पहर में भोजन करता है, हे जनादीप, उसके ब्रह्म हत्यादि पाप नाश हो जाते हैं। हे महीपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है, और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करें। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पात की ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है, फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोगों से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज को गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ लोक को जाता है, और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला
दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करें। जो मनुष्य देवदेव विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करें, कुश मुष्टि का त्याग ना करें। जो मनुष्य कुशा से मल मूत्र कफ रुधिर को साफ करता है वह विष्ठा में कर्मी योनि में जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं, बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं, कुशा के अग्र भाग में महादेव वास करते हैं। इसलिए कुशा से मार्जन करें, शूद्र जमीन से कुशा को ना उखाड़े और कपिला गौ का दूध ना पीवे। हे भूपते, पलाश के पत्र में भोजन ना करें, प्रणव मंत्र का उच्चारण ना करें, यज्ञ का बचा हुआ अन्न ना भोजन करें, शूद्र कुशा के आसन पर ना बैठें, जनेयू को धारण ना करें और वैदिक क्रिया को ना करें। यदि विधि का त्याग कर मनमाना काम करता है तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है, 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा शुकर वानर योनि को जाता है। इसलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करे। हे भूमि, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा ना देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं, व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूप, इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन ना करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, धर्म का रहस्य कहा। इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगीश्वर हरि भगवान वास करते हैं। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 26वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कमेंट में जरूर लिखें।